माय डियर भक्त, गुड इवनिंग इन द मॉर्निंग। एक बार मैंने बाबा बकरी ने एक सभा में अपने भक्त गोवर्धन दास से कहा, हे गोवर्धन, हमारे पूर्वज बंदर थे। उसने पलट के कहा, बाबा बकरी आपके होंगे, हमारे तो अग्रवाल थे। क्षेत्रपाल हो या खंडेलवाल हो, सबकी आत्मा अजर अमर है, क्योंकि ये दुनिया ह्यूज चिड़ियाघर है। यहां सुख कम दुख ज्यादा है, क्योंकि 12 नर पे ओनली 6 मादा है। जैसे हर कन्या के लिए कहीं ना कहीं एक वर है, वैसे ही हर इंसान के अंदर एक छोटा सा जानवर है। कोई गधा है अकल से, तो कोई बंदर है शकल से। कोई गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो कोई मोरनी जैसी चाल चलता है। कोई आस्तीन का सांप है, और सुनने में आया है कि शेर आजकल रिश्ते में सबका पप। तो गौर से देखिए, चिंटू, मीना, मोना, शीला, सुरेश, रमेश और रतन रंगीला, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा एक छोटा सा जानवर है, क्योंकि ये आत्मा अजर अमर है। ये वर्ल्ड एक ह्यूज चिड़ियाघर है। शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब को गुलाब की जगह गोभी कहें, तब भी उसकी खुशबू कम नहीं होगी, और अगर गोभी को गोभी की जगह गुलाब कहें, तब भी बनेगा तो गोभी मटर ही। क्यों गिल्लू, क्या समझा? समझ गया दादाजी। जैसे आपका नाम केसरी नारायण से गजगामी नारायण होता, तभी आप ऐसे ही पढ़ाते, और गजगामी का नाम केसरी नारायण होता तो वो हाथी की तरह खाती। यानी नाम में क्या रखा है? बेटा बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन उदाहरण थोड़ा बेटर हो सकता था। हाँ तो गजगामी ने नाम में क्या रखा है, ये किसने कहा? गिल्लू ने। गिल्लू ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा है। दादाजी जब नाम में कुछ रखा ही नहीं है, तो गिल्लू कहे या शेक्सपियर, क्या फर्क पड़ता है? बात तो तू सही कह रही है। पर दादाजी शेक्सपियर ने कहा है। बात तो तू भी सही कह रहा है। जब सब कुछ ये दोनों कह रहे हैं, तो शेक्सपियर क्या कह रहा है? बात तो तू भी सही कह रहा है। जब अबे कितनी बार तुझे कहा कि बीच में आकर ढीचू ढीचू मत किया कर गधा कहीं का। हमारा नाम गधा नहीं गद्दा प्रसाद है, कृपया करके उच्चारण ठीक से करें। अबे नाम बदलने से तेरा चरित्र नहीं बदल जाएगा गधा कहीं का। ये बता कि मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? ये लीजिए हमारा इस्तीफा, अब हम यहाँ और काम नहीं कर सकते। अबे ये तो बिल्कुल ही कोरा कागज है। अगर लिखना आता तो हम आपके यहाँ नौकरी करते। इस कोरे कागज को लिखा समझिए और हमारा इस्तीफा कबूल कीजिए, हम आपके यहाँ और काम नहीं कर सकते। अबे एक बात बता ना, तू काम करता कब है? काम चोर कहीं का गधा। तूने फिर से मेरे मोबाइल की धुन बदल दी। हेलो, अबे किस किस को मेरा नंबर दे रखा है तूने? हेलो, हाँ मम्मी, हाँ बाबूजी को इस्तीफा दे रहे हैं, हाँ आपको अभी फोन करते हैं। हाँ कितनी बार कहा है तुझसे मेरा नंबर किसी को मत देना। कथा कहेगा।
माना हम अकल से गधे हैं, पर हमारी भी कोई इज्जत है, भले हमारी खुद की नजरों में क्यों ना हो, पर अब हम यहाँ और अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। अरे किसको इतनी फुर्सत है जो तेरी बेइज्जती करेगा? मोहल्ले के नए बनिए में हम उसके यहाँ गए, हमने कहा हमारे राशन भेज दो। उसने बोला कहाँ से आए हो? हमने कहा चिड़ियाघर से। उसने हमको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूरे परिवार को बुलाया, उनको दिखाया, अब विद फैमिली हम पर हंसने लगा। अबे वो तेरी शक्ल पे हंस रहा होगा गधा का। आप हमको बार बार गधा कहते हैं ना, पूरे मोहल्ले वाले हमें इस चिड़ियाघर का गधा कहने लगे। उनको समझा कि चिड़ियाघर में गधे नहीं होते। हाँ, चिड़ियाघर में होते हैं शेर, भालू, जिराफ, बंदर और हिरण होता है कौमा, दरियाई घोड़ा होता है कौमा, चिंपैंजी होता है कौमा, भालू होता है चिड़ियाघर में कौमा। ये किस जानवर की तस्वीर बनाई है? क्वेश्चन मार्क। बच्चों मैंने कहा था चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों की तस्वीर बनाओ, फुल स्टॉप। ये किस जानवर की तस्वीर है? क्वेश्चन मार्क। आपकी तस्वीर बनाई है मास्टर जी। क्या? क्वेश्चन मार्क। मेरी तस्वीर? एक्सक्लेमेशन मार्क। आप भी तो चिड़ियाघर में रहते मास्टर जी। चुप चुप, खड़े हो जा, बेंच पे खड़े हो जा और खड़े रहे। डॉ 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 डॉ। ए कामा, ए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ए कामा, फुल स्टॉप। मैं चिड़ियाघर में रहता हूँ? क्वेश्चन मार्क। मैं चिड़ियाघर में ही रहता हूँ। गोमुख आगे बैठा। हरिओम बाबूजी। कौमा पेरेंट्स पर पुष्प। जीते रहो बेटा। क्या बात है बेटा, मुंह क्यों फूला हुआ है? नहीं बाबूजी, मेरा तो मुंह ही ऐसा है बचपन से, फुल स्टॉप। ये क्या क्या ले आए बेटा? सब्जी कौमा फ्रूट कौमा दूध, फुल स्टॉप। अच्छा ठीक है बेटा। बेटा वो बहू से कहना हमारे लिए एक कप चाय बनाएगी दालचीनी डाल के। जी बाबूजी, अभी बोल देता हूँ। डा 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 डा। अरे गधा प्रसाद, पानी मांगा था, क्या हुआ? लीजिए। ये क्या? पानी। मैंने पीने का पानी मांगा था, नहाने का नहीं। तो इसका क्या करें? मेरे सर पे डाल दे। जी। अरे बहू, अबे ये क्या किया? आपने तो कहा मेरे सर पर डाल दे। तू चला जा, तू चला जा। मेरी बीवी को भी यही मिला था मायके से लाने के लिए। मुरली की धुन सुन बाजत मृदंग झुन, झिझकिते झिझकिते थेकेते थेकेते थे, मेरा तो करत उठा हेरा तो फेरत चित्त चंद्र चपल, दिख दिख ना दिख दिख ना दिख 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 तो दिख दिख तो दिख 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 थे, तत थे तत थे तत थे ता थे तत थे तत थे तत थे ता थे तत थे तत थे तत थे। नहीं मयूरी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। मयूरी पूछ रही है, ये सब्जी लाए हो तुम? ये कद्दू इतना कच्चा, ये टमाटर इतने पिचके हुए,
ये आलू इतने सड़े? तुमने कभी कोई ढंग की चीज पसंद की है? क्या बोले? अग, मैं कहां कुछ बोला है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बोलो ना, मयूरी ने कितनी बार कहा है कि दिन में कम से कम 10 बार मयूरी की तारीफ किया करो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी क्वेश्चन मार्क। तुमने मयूरी की सुंदरता पर क्वेश्चन मार्क लगाया? नहीं मयूरी, मैं तो फुल स्टॉप लगा रहा था, वो गलती से ये लग गया। तुम बहुत सुंदर हो, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद। मयूरी अब पिताजी के लिए चाय बना दो ना, कब से इंतजार कर रहे हैं। चाची, मम्मा ने कहा है कि अगर आप चाय बना रहे हो तो एक कप पापा के लिए भी बना दीजिएगा, उन्हें उठाना है, ठीक है? मयूरी सबके लिए सब काम करो, मयूरी की तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। मयूरी की कदर है कहाँ? जंगल में। क्या? फुल स्टॉप। तेरे का तगड़ा दिखे ना था। बाबूजी चाय। बाबू ये क्या था बेटा? लगता है जेठानी जी क्लासिकल गा रही है। मोहन प्यारे मोहन प्यारे मोहन प्यारे। अच्छा गाती है। हाँ। कितनी बार कहा है इनसे मुझे नया सीडी प्लेयर खरीद के दो, लेकिन ये है कि नाम के भी घोटक और सोते भी घोड़े बेच के। जी उठिए टीसी बाबू, टिकट कलेक्टर उठिए, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, उठिए ना। जाओ माँ आगे जाओ, छुट्टा नहीं है। अब क्या देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे लगते हैं? सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे लगते हैं? उठिए जी उठिए। टुंडला आ गया क्या बहन जी? नहीं नहीं ये तो इटावा है। इटावा नहीं, मैं वो कोयल आपकी पत्नी हूँ, उठिए उठिए। कोई नई बात नहीं है, और तुम यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, सामने वाली बर्थ खाली है, आ जाओ आ जाओ। राम और चाय ले दिया ना? हाय हाय, कितनी बार कहा है आपसे कि घर को घर की तरह रहने दीजिए, रेलवे कंपार्टमेंट मत बनाइए, लेकिन आप है के अच्छे खासे बेडरूम में ट्रेन का बर्थ डाल दिया। हाँ, शीशम की लकड़ी की खिड़की निकाल कर रेलवे की खिड़की लगा दी। नए पंखे की हवा आपको अच्छी नहीं लगती? जो ट्रेन से चुराया पंखा लगाया है उसे भी कंघी से निकाल कर घुमाते रहते हो, फिर भी नहीं चलता। कोई नई बात नहीं है, अब ट्रेन की ऐसी आदत हो गई है कि ऐसा ना करे तो नींद नहीं आती। और तुमसे कितनी बार कहा है कि कभी बीच बीच में आके बर्थ हिला दिया करो, वरना ऐसा लगता है कि ट्रेन खड़ी है। मुझसे ज्यादा आपको ट्रेन की पड़ी है,
गैरों पे करम, अपनों पे सितम। ए जाने वफा, ये जुल्म ना कर। जगह जगह लिख रखा है रेलवे आपकी संपत्ति है। हाय राम, ये कैसा पति है। सुनो तुम यहाँ बिना रिजर्वेशन के बैठी हो, अब ज्यादा बोली ना तो अगले स्टेशन पे उतार देंगे हम। उतार के दिखाइए। अच्छा नहीं उतारेंगे, चलो लाओ चाय पानी। बीवी से रिश्वत कोई नई बात नहीं है। हाँ? चाय, अब चाय दो। ओ, कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे चाय कप में नहीं कुल्हड़ में दिया करो। हे भगवान, कितनी मुश्किल से फेंका इसे, आप फिर ले आए। चाय पीने का मजा कुल्हड़ में ही है, ये देखो। वाह वाह वाह, कुल्हड़ की खुशबू के सामने बाकी सब विदाउट टिकट है, समझी। क्या यूं कर रही हो, जाओ बिस्किट ले आओ, ले आओ ले आओ। बड़ी मामा, मुझे भी बिस्किट दो ना। तुम तभी क्यों आती हो जब मैं अलमारी खोलती हूँ? तो आप खाने का सामान अलमारी में क्यों छुपा के रखते हो? चुप कर, तेरी मम्मी वॉशिंग पाउडर और शैम्पू भी अलमारी में छुपा के रखती है, जाओ वहाँ पे। वॉशिंग पाउडर मैं थोड़ी ना खा सकती हूँ। नाम गजगामिनी, लेकिन भागती है जैसे हिरनी। देखिए जी, ये कहाँ चले गए? सुनिए जी, वो टाइम नहीं है हमारे पास, हावड़ा टाइम पे है, अगर लेट हो गए तो किसी की टिकट चेक नहीं होगी। अच्छा फिर भी सुनिए ना, थोड़े से पैसे दे दीजिए ना। जब देखिए तब पैसे मांगती रहती हो, समझ मांगो, अकल मांगो, काम आएगी। बेटा तेरे पास जो होगा वही तो मांगेगी ना। अच्छा बाबूजी, हम लेट हो रहे हैं, शाम को आके बात करते। बाबूजी दूर से ही पाए लागू। कोई बात नहीं बेटा, ये भी स्टेशन से कर लेना। हाँ 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 बाबूजी। अरे भाई साहब, हम लोग टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ पर चिड़ियाघर कहाँ है? ये क्या है? पापा यहाँ पे जानवर है? हाँ बेटा अंदर है, अंदर। भाई साहब ये अंदर जाने का टिकट कहाँ मिलेगा? अरे दादाजी, अभी तक यहाँ के जानवरों को देखने के लिए सरकार ने टिकट नहीं लगाई है, बिल्कुल फ्री है। सुनिए ना, हमको भी बंदर देखना है। सुबह सुबह आईना देख के नहीं आई थी क्या? जाइए ना, ऐसे बोलते रहते। ये देखिए, हम उसके लिए केले और चने लाए हैं। ये देखिए, आज मंगलवार का दिन है ना, मंगलवार के दिन बंदर को केले चने खिलाने से बहुत शुभ होता है। लेकिन यहाँ कोई जानवर दिखाई नहीं देता। वो देखो देखो, एक आया। ये कौन सा जानवर है भाई? जमाना बदल गया है, आदमी आदमी नहीं लगता है, औरत औरत नहीं लगती है, और जानवर जानवर नहीं लगता है। क्या हो गया इस देश का? क्या बात है भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 8 की गाड़ी 4 पे क्यों लगाई है? अरे ये लोग चिड़ियाघर देखने आए भाई, और जानवर भी। ए, ये चिड़ियाघर लगता है तुमको? लिखा तो है चिड़ियाघर। भाई साहब अंदर कौन कौन सा जानवर है? अबे वो चिड़ियाघर पीछे नवाबगंज में, ये हमारा घर है चिड़ियाघर। आप चिड़ियाघर में रहते हो?
ये क्या मजाक है? हम जानवर लगते हैं आपको? चार पैर है हमारे, हाँ? ये देखो है, ये देखो है। सुनिए ना, हम आपके लिए ये एक केले लाए हैं, एक और है ये लीजिए, और ये चने भी लाए हैं। भैया कौमा, आप ऐसे बंदर की तरह फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। पापा, ये दूसरा कौन सा जानवर आया? ये एक्सक्लेमेशन मार्क। हम तुमको जानवर दिखते हैं? क्वेश्चन मार्क। अरे हंस क्या रहे हो शर्मा जी, क्या लगा रखा है ये? चलो भागो यहाँ से, वरना सबकी रिजर्वेशन कैंसिल कर दूंगा मैं। तुम भाग तो है नहीं, भागो यहाँ से, चलो चलो भागो, भागिए। और सुनो, हम जानवर नहीं है और ये चिड़ियाघर नहीं है, ये हमारा घर है, घर। अरे तो घर का नाम चिड़ियाघर क्यों रखा है? कंफ्यूजन होता है ना, टूरिस्ट कहाँ जाएगा? चल गाड़ी निकाल। अब तो केले और चने भी देंगे? क्वेश्चन मार्क। आपको नहीं लेना चाहिए था भैया, फुल स्टॉप। भाभी जी इतने प्यार से दे रही थी तो क्या भैया, डॉट 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 डॉट। बस अब बहुत हो गया कौमा, अब हम और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे कौमा, बाबूजी से बात करनी पड़ेगी, फुल स्टॉप। बिल्कुल सही कह रहे हैं छोटे, आज या तो इस घर का नाम चिड़ियाघर रहेगा या हम इस घर में रहेंगे, फुल स्टॉप। वेल मयूरी, डॉट 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 डॉट। बाबूजी, क्या बात है भाई, आवड़ा छूट गई या लेट हो गई? बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप तो करो ना बेटा, बोलो क्या बात है। कुमुक बता जो तू मुझे बता रहा था। भैया मैं कहाँ आपको बता रहा था, क्वेश्चन मार्क आप मुझे बता रहे थे, फुल स्टॉप। हाँ तो वही बाबूजी को भी तो बता। घोटक बेटा, तुम बड़े हो, तुम बड़ा बोलते हो, तुम बोलो क्या बात है। बात बहुत छोटी है बाबूजी। भाई छोटी सी बात है तो भाई छोटे बड़े सबको बुलाओ। कपी कहाँ है? बाबूजी, देवर जी छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। अबे टेंशन बहुत टाइट है, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। गधा प्रसाद, लेटर ठीक से बांधा था ना काइट में? हाँ भैया बांधा तो है, लेकिन लेटर तो हिंदी में है और उसको हिंदी याद ही नहीं है, वो तो मलयालम है। बे बेटा, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। टेंशन बहुत टाइट है, आज मेमना के सर पे डायरेक्ट लेटर लैंड करेंगे, देख लेना। भैया रोज सर पे लैंड करने का ट्राई करते हो, लेकिन सर के जो घर पे लैंड हो जाते हैं, वो देखो एयरपोर्ट बना हुआ है। भैया संभाल के, तो काइट कट जाएगी। अब पिछली बार की तरह चिट्ठी मेमना की जगह मुन्नी घर पहुंच जाएगी और मेरी मुन्नी बेचारी फिर से बदनाम हो जाएगी। चुप, नहीं बदनाम हो जाएगी, मेरे पे फोकस कर। स्वामी शरणम अय्यप्पा गुरुवायूरप्पा हरि हरि सुदने स्वामी स्वामी स्वामी। भैया भैया स्वामी आ गए। अबे यार क्या ब्यूटी से फुल लग रही है यार। हाँ भैया। अबे डायरेक्ट मत देख, कितनी बार का चीपनेस लगती है। साइड से देख, साइड से। अबे तुम नहीं हम देखेंगे सिर्फ, समझे? पर बाबूजी कपी तो बहुत छोटा है। अरे छोटा हुआ तो क्या हुआ, इस घर में छोटे बड़े सबके लिए कोटा है। अरे बोल कोटा बोल। बाबूजी, बाबूजी हम सब एक बात से बहुत परेशान हैं, वो परेशानी की वजह है इस घर का नाम चिड़ियाघर। हाँ बाबूजी, इस नाम की वजह से हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है।
हाँ बाबूजी, मैंने आज स्कूल में बच्चों को कहा कि चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों की तस्वीर बनाओ, उन्होंने मेरी तस्वीर बना दी। ये भी कोई बात है? हमारी इंसल्ट कितनी हुई? क्वेश्चन मार्क। आज कुछ टूरिस्ट हमारे घर को चिड़ियाघर समझ के देखने चले आए, घर के बाहर फोटो भी खिंचवा रहे थे। दो तस्वीर तो मेरी भी खींची उन्होंने, ऐसे ऐसे करके। और ऐसे वाली बताइए ना, वो क्यों नहीं बता रहे हो बाबूजी? और ऐसी वाली भी एक खींची बाबूजी, मुझे ये चने और दो केले भी दिए। बाबूजी, अब तो लोग सचमुच हमारे घर को चिड़ियाघर समझने लग गए हैं। कुछ सोचिए ना प्लीज। इससे पहले कि सरकार हमें देखने का टिकट लगा दे, बाबूजी घर का नाम बदल डाली। नाम बदल दूं? Ooh.